क्या दोस्तों आपके मोबाइल में भी इनकमिंग कॉल और बिजी बता रहा है? तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको तीन ट्रिक बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद में आपके मोबाइल में इनकमिंग कॉल और बिजी नहीं बताएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखना। तो दोस्तों मैं कैलाश कहूँ तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों आपका बिना समय गए यहाँ पर मैं जल्दी से तीनों सेटिंग्स बताऊंगा, तो यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स में आ जाता हूँ। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम ऐप सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको ये नीचे नहीं मिलता आप ऊपर भी सर्च करा सकते हो। सर्च कराने बाद इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉल सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करना है और नीचे आना है, नीचे आपको फिर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉल बेयरिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये रिफ्रेश होगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आपके सामने रिफ्रेश होने वाले ये सेटिंग्स आएगी। यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी कहीं पर ये सेटिंग्स ऑन तो नहीं है। अगर आपकी सेटिंग्स कोई भी यहाँ पर ऑन है तब आपको यहाँ पर ऑफ कर देना है। ऑफ करने बाद आपको बैक कर लेना है। दोस्तों ये है पहली सेटिंग्स। ये सेटिंग्स करने वाले हैं, अगर आपके मोबाइल में बिजी बता रहा है कॉल, तब आपको दूसरी सेटिंग्स फॉलो करनी है। तो दूसरी सेटिंग्स के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लैक लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लॉक नंबर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देख लेना है कहीं पर कि आपके नंबर कोई भी हो ब्लॉक तो नहीं है, यानी आपने ब्लैक लिस्ट में तो नहीं नंबर डाल रखे हैं। अगर आपने डाल रखे हैं तो यहाँ से आपको उन नंबर को हटा देना है, रिमूव कर देना है ब्लैक लिस्ट से, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल लेते हैं तब वो बिजी बताता है। तो यहाँ पर आपको उनको हटा देना है और यहाँ से आपको ब्लैक लिस्ट वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। दोस्तों ये है दूसरी सेटिंग्स। ये फॉलो करने के बाद में भी अगर आपके मोबाइल में आओ यानी कॉल बिजी बता रहा है तब आपको तीसरी सेटिंग्स को फॉलो करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जाना है अपने मोबाइल के कॉलर में। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ मेरे मोबाइल के डायलर में। तो यहाँ पर डायलर में आने के बाद आपको यहाँ पर कोड डायल करना है, H H 2 1 H, इस प्रकार का कोड डायल करके आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फिर आपके सामने इस प्रकार का यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सक्सेसफुल है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी कॉल फॉरवर्डिंग यहाँ पर सक्सेसफुल है, लेकिन आपको भी यहाँ पर सर्च करा लेना है कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सक्सेसफुल है या नहीं, फिर आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये तीनों सेटिंग्स जो मैंने बताई है अगर आप भी फॉलो कर लेंगे तब आपके मोबाइल में इनकमिंग कॉल और बिजी नहीं बताएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको भी अपने मोबाइल में इन तीनों ट्रिक को फॉलो कर लेना है, तब आपके मोबाइल में भी इनकमिंग कॉल और बिजी नहीं बताएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना।